हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी गोयल एंड माय चैनल नेम इज नीट विद तन्वी। आई एम अ सेकंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं ना, वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि यार, मतलब मेरे साथ भी ये पर्सनली हुआ था जब मैं अपने टाइम पे नीट की प्रिपरेशन कर रही थी कि यार, मतलब मैं चीज़ें करूँ तो करूँ कैसे। मतलब कि मैंने टाइम टेबल बना लिया है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैंने पूरे दिन में पढ़ा तो है, पर मैंने जितना पढ़ा है क्या उतना काफ़ी है या नहीं है। एंड जब टाइम टेबल फॉलो हुआ ही नहीं, देन हाउ विल आई गेट टू नो, ठीक है, कि जितना मैंने पढ़ा है क्या वो इनफ है सिलेक्शन होने के लिए, या इतना ही टारगेट होना चाहिए एक दिन का। तो यार देखो, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशंस ना फिगर आउट करने में मुझे एक ड्रॉप का समय लगा। एंड आई थिंक सो कि अगर मैंने फिगर आउट कर ही लिए हैं, तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस तुम लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि तुम लोगों का और टाइम वेस्ट ना हो, तुम लोगों के और साल वेस्ट ना हो। बिकॉज यार, लोग कहते हैं एवरी सेकेंड काउंट्स, ठीक है, यहाँ तो फिर भी एक साल की बात है। एंड ये जो है ना, ये चीज़ सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट ही फील कर सकता है कि कितना बुरा लगता है जब ड्रॉप लेना पड़ता है। ठीक है, कितना बुरा लगता है जब हम घर में बैठे होते हैं एंड हम वापस से एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंड हमारे बाकी सारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो कॉलेजेस में जाके अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर, ठीक है, कि तुम्हें अपने और साल वेस्ट ना करने पड़े। देखो, मेरे साथ क्या होता था ना, कि जब मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो मेरा 12th के साथ था। एंड यार, मतलब उसके अंदर तो मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। मतलब कि स्कूल जाना होता था, देन मेरी कोचिंग हुआ करती थी आकाश की, तो भाई मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि मतलब मैं कैसे पढ़ूँ। बोर्ड्स भी आ रहे हैं, साथ में नीट भी आ रहा है, भाई मेरी सारी चीज़ें एकदम मिक्सअप हो गई। बट उसके बाद जब डिसाइड हुआ कि हाँ यार, मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैंने भी हर एक एस्पिरेंट की तरह सोचा एंड यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखी एंड सोचा कि हाँ ठीक है, अब मुझे अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एंड जैसा मुझे मैंने देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, जिसके अंदर कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पूरी दोपहर, पूरी शाम, पूरी रात पढ़ना है, एंड देन फाइनली रात में जाके सो जाना है, एंड सुबह वापस से 5 बजे उठना है। बट मैंने एक दिन, 2 दिन में ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि ये टाइम टेबल और लोगों के लिए रियलिस्टिक होता होगा, ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने अपना एक और टाइम टेबल बनाया, जिसके अंदर कि मैंने थोड़े चेंजेस लाए, जैसे कि मैंने अर्ली मॉर्निंग हटा के लेट नाइट स्टडीज डाली एंड अपने स्टडी वाली ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया, क्योंकि पहले वाले टाइम टेबल में मेरी स्टडीज बहुत ज़्यादा एंड स्लीप बहुत कम हो रही थी। अब टाइम टेबल तो ये बन गया, बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे फॉलो कैसे करूँ, क्योंकि आज तक की पूरी लाइफ में कभी ना तो टाइम टेबल बनाया, ना तो कभी फॉलो किया। ठीक है, अभी तक की पूरी लाइफ में जो एक टाइम टेबल जिसका पता था, वो था हमारा स्कूल वाला टाइम टेबल। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि यार देखो, मेरे पूरे टाइम टेबल में है क्या, पढ़ना, सोना, खाना एंड अपने डेली के रोज के जो इसेंशियल काम है वो करना। तो मैंने सोचा कि जब पूरे दिन में सिर्फ पढ़ना ही है, तो मैं क्यों ना अपना एक टाइमर सेट कर लूँ फोन में, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मैंने पूरे दिन में पढ़ा कितना है। ठीक है, 9 घंटे, 10 घंटे, तो मैंने ऐसे करा। पर जब मैंने कुछ टाइम इस चीज़ को फॉलो किया, उसके बाद मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ऐसे तो मैं सिर्फ बुक्स खोल के टेबल पे बैठी रहूँ, ठीक है, तो जितना दिमाग में जा रहा है उतना जा रहा है, अदरवाइज नहीं जा रहा है, मेरा टाइम तो फ़ोन में बढ़ ही रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो लूप होल है, ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे मुझे तो लगेगा कि मैंने डेली 10 घंटे पढ़ लिए हैं, बट एक्चुअल में उन 10 घंटों में मैंने सिर्फ 2 घंटे का या 3 घंटे का कंटेंट ही पढ़ा है, जो कि मेरा इंस्टेड ऑफ 10 आवर्स, अगर मैं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ती तो मेरा 2 आवर्स या 3 आवर्स में कम्प्लीट हो जाता है, एंड ऐसे मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि यार, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। देन आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने डेली के गोल सेट करूँ कि मुझे आज बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये करना है, एंड मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन में करना है, अगर मैं डेली 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो डेली के 10 घंटों में मुझे अपने इन गोल्स को पूरा करना है, देन वो मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि हाँ यार, मुझे इन गोल्स को पूरा करना है। जब तक मेरे ये पूरे नहीं होंगे, मुझे सोना नहीं है, ठीक है, अब सोना तो मुझे है क्योंकि नींद मुझे आ रही है, देन दैट मीन्स कि एनी हाउ मुझे इनको अपने 10 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो सही है, बट इसके अंदर फिर मुझे एक और लूप होल लगा, जो तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि वॉट इफ मैंने अपने लिए गोल जो सेट करा है वही बहुत कम सेट करा है। तो यार देखो, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। अगर तुम्हें पता है कि हाँ 6 महीने हैं तुम्हारे पास और 6 महीने के अंदर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो तुम उसी के हिसाब से अपना डेली गोल जो है उसको सेट करोगे, क्योंकि एक ब्रॉड ओवरव्यू तुम बना लेते हो। ठीक है, कि अगर 10 चैप्टर है इन टोटल, मुझे 5 महीने में कवर करने हैं,
तो ऑन एन एवरेज मुझे हर महीने में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। तो ये जो एक ओवरव्यू है वो तुम्हें अपने लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपनी प्रिपरेशन 12th मंथ से ही शुरू करता है। हो सकता है कि कोई 10th से शुरू कर रहा हो, कोई 6th से शुरू कर रहा हो, तो वो तुम्हें अपने लिए खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। एंड जब मैंने फाइनली ये चीज़ करी कि मैंने अपना डेली का टाइमर सेट करना शुरू करा एंड अपने डेली के गोल्स लिखने शुरू करे, तो उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत ईजिली एंड बहुत अच्छे से कवर अप होने लगी। एंड बहुत ही अच्छे से मेरा जो सिलेबस है वो जितने टाइम फ्रेम में मुझे ख़त्म करना था उतने टाइम फ्रेम में वो एक्यूरेटली ख़त्म हो गया। तो तुम्हें भी क्या करना है, देखो अगर तो तुमने अपने लिए टाइम टेबल बनाया है, तुम उसे फॉलो कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें अपने डेली का टाइम एंड गोल सेट करने हैं। एंड यार देखो एक ये चीज़ भी है कि मैं अपने लिए गोल सेट कैसे करती थी, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हाँ मैं सुबह उठ के सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। जब मैंने पूरे दिन में पढ़ लिया, अपने आज के पूरे दिन का ख़त्म कर लिया, देन रात में मैं ये चीज़ सोचती थी एंड लिख लेती थी कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है। क्यों? क्योंकि अगर देखो मेरे को एक चीज़ लगती है, अगर तुम सुबह उठ के सोचोगे ना कि मुझे आज के पूरे दिन में क्या करना है, तो जैसा तुम्हें सुबह फील हो रहा होगा तुम उसके हिसाब से गोल सेट करोगे। अगर तुम्हें लगेगा कि यार आज तो आलस आलस सा आ रहा है, आज के गोल्स अपने थोड़े कम रखता हूँ, ठीक है आज नहीं, यार आज तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, आज के गोल्स मैं कल से ज़्यादा रख लेता हूँ, बट अगर तुमने पूरे पूरे एनर्जी के साथ एकदम सेम एग्जॉर्शन के साथ पूरे दिन में पढ़ाई करी है एंड देन तुम रात में आए हो, तो तुम रात में क्या सोचोगे कि हाँ यार कल के लिए भी मैं ऐसे ही रखता हूँ, कल भी मेरे को इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं ये तुम लोगों को प्रेफर करूँगी अपने जो गोल्स हैं वो रात में सोने से पहले सेट करना, जब तुम्हारा सारा उस दिन का पढ़ के हो जाए। मुझे पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा बेटर अपनी पढ़ाई के अंदर फील हुआ जब मैंने इस टेक्निक को अपनाया, ठीक है। तो टाइम टेबल के पीछे से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक फिगर आउट व्हाट सूट्स यू, ठीक है, फिगर आउट व्हाट सूट्स यू। एंड ये जो चीज़ है दिस रियली हेल्प्ड मी इन माई ड्रॉप ईयर टू क्लियर माई नीट एग्जाम, ठीक है, टू कम्प्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया होता तो मेरा सिलेबस ऑन टाइम पूरा नहीं हुआ होता मेरे ड्रॉप ईयर के अंदर, एंड अगर सिलेबस पूरा होता ही नहीं तो सिलेक्शन तो कहाँ से ही होता। अगर तो तुम इन सारी चीज़ों के अंदर स्टक हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि यार एक बार थोड़ा चेंज इन योर स्ट्रैटेजी करके देखो, एक बार इस टेक्निक को यूज़ करके देखो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि तुम्हें चेंज देखने को मिले, ठीक है। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर तो तुम इस टेक्निक को यूज़ करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो तुम लोग नहीं करते हो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग।